फैमिली जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं समक के चावल, जिनको समा के चावल भी बोला जाता है। वही चावल जो हम व्रत में खाते हैं, आज हम उसका पुलाव बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब समा के चावल लिए हुए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश करेंगे। से प्रेस करते हुए वॉश करना है हमें, तो लगभग 2-3 बार हमें वॉश करना है जब तक कि इसका पानी क्लीन नहीं हो जाता। तो देखिए, हमने इसे 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसको पानी डालकर लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से भिगो के रख देंगे। समक पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी ले लिया है। इसको चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब जीरा, जीरा हमारा हल्का हल्का सा तड़कने लगा है, हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड पीनट्स, से बादाम और काजू के हाफ्स। इन सारी चीजों को हमें हल्का सा सौते करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये बाकी चीजों के साथ भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। इसमें डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, आप कितना तीखा खा सकते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च का यूज करिए। साथ ही हमने यहाँ पर अदरक ग्रेट करके रखा हुआ है, वो डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसमें। एक मीडियम साइज के आलू के हमने इस तरह से क्यूब्स काट के रखे हुए हैं, वो डाल देंगे इस टाइम पे। एक कड़ी पत्ती का स्ट्रैंड लिया हुआ है हमने, वो जाएगा इसमें। अभी से ही ये बहुत फ्लेवरफुल लग रही है, इन सब चीजों को हम सौते करेंगे और साथ में इसमें डाल देंगे ये चॉप टमाटर। फ्लेम को हमने अब स्लो पे कर दिया है। थोड़ी देर अब इन सारी चीजों को हम पकने देंगे। इसमें टमाटर को भी हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है इसमें। ये सारी चीजें अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। चावल को भीगते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है, हमने इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लिया था। अब उन चावलों को इसमें हम डाल देंगे। साथ ही इस टाइम पे डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। व्रत में सेंधा नमक यूज किया जाता है, हम नॉर्मली भी सेंधा नमक का ही यूज करते हैं घर में। सी सॉल्ट के कंपैरिजन में सेंधा नमक ज्यादा हेल्दी होता है, इसलिए हम हमेशा इसी को यूज करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को।
डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे। एक नींबू का यहाँ पर रस लिया हुआ है वो डाल देंगे इसमें, मिक्स करेंगे सारी चीजों को अच्छी तरह। आप देख सकते हैं अभी से ही पुलाव का रंग बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें डालेंगे पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है हमको, सिर्फ उतना ही पानी यूज करना है जितने में ये सारी चीजें अच्छी तरह से डूब जाए। थोड़ा सा पानी हो जाएगा इस वक्त। अब हम इसे ढक देंगे और लगभग 5 मिनट में हमारे समक पुलाव रेडी हो जाएंगे। देखिए हमारे चावलों को पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। आइए इसे चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल और कितने अच्छे लग रहे हैं। गैस को हम इस वक्त बंद कर लेते हैं और अब इसको हम करेंगे प्लेट। आइए अपने पुलाव को अब हम प्लेट करते हैं। अगर इसमें से आप कोई चीज नहीं खाते तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसमें जितने भी नट्स डले हुए हैं उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। हम लगाएंगे इसमें कड़ी पत्ता और थोड़ा सा इसमें जैसा कि मैंने बोला है, उससे बहुत फ्रेशनेस आती है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। तो फ्रेंड्स हमारे समक के पुलाव बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।